लोग कहते हैं कि किस्मत किस्मत की बात होती है, कि अगर उसके किस्मत में या किसी किस्मत में कुछ लिखा होगा तो होगा। मैं ये मानता हूँ कि जिसका हाथ नहीं होता है ना, किस्मत उसका भी होता है। जिसका आँख नहीं होता है ना, किस्मत उसका भी होता है। जिसका पैर नहीं होता है ना, किस्मत उसका भी होता है। तो हम जो ये इल्यूजन बना कर रखे हैं अपने दिमाग में कि तुम्हारे किस्मत में ये नहीं लिखा है, तुम्हारे किस्मत में ये नहीं लिखा है, तुम्हारे किस्मत में गरीबी है, तुम्हारे किस्मत में अमीरी है, ये सब कुछ नहीं होता है। और जो लोग ये हाथ के लकीरों पे भरोसा करते हैं ना, वो एक नंबर के बेवकूफ इंसान होते हैं। देखिए, हाथ के लकीरों में कुछ नहीं रखा है, किसी चीज में रखा है तो बस और बस सिर्फ और सिर्फ मेहनत के लकीरों में रखा है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप अपने किस्मत के लकीर को भी बदल सकते हैं, आप अपने हाथ के लकीर को भी बदल सकते हैं, आप वो हर मुकाम हासिल कर सकते हैं। एक दिन समय हुआ करता था कि हमें घर पे 5 रुपए भी मांगना पड़ता था, कि कुछ खाना है तो उसके लिए भी 5 रुपए मांगो, कहीं जाना है तो उसके लिए परमिशन लो, मतलब बहुत सारी चीजें होती थी। और एक वक्त था जब साइकिल हुआ करता था, तो रहता है ना कि यार अपने घर कार नहीं है, अपने घर बढ़िया एक बाइक नहीं है, कभी नया गाड़ी नहीं खरीदाया। दोस्तों बड़े दुख के साथ है, मतलब मैं ये बात कह रहा हूँ, हालांकि ठीक है, प्राउड भी फील होता है कि चलिए मेरे पिताजी ने बहुत सारा चीज़ किया है और उन्होंने मुझे इतना काबिल बनाया है पढ़ा लिखा कर कि मैं आज बहुत सारा चीज़ हासिल कर रहा हूँ जीवन में। एक वक्त था कि मेरे घर कोई नया गाड़ी नहीं खरीदाता था, इसलिए नहीं खरीदाता था कि पैसा फंस जाएगा, अगर बाइक नया खरीदाएगा तो वहाँ 1-1.5 लाख रुपया लग जाएगा, फंस जाएगा वहाँ पे। इस तरह की चीज़ों को लेकर मतलब वो सब चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन हालांकि मेरे पिताजी ने उस वक्त वो डिसीजन लेकर बहुत अच्छा काम किया कि पैसा उन्होंने सेव किया, मुझ में इन्वेस्ट किया, मुझे एक लायक इंसान बनाया। फिर एक वक्त आया जब मेरी कहानी की शुरुआत होती है कि मैं अब लाइफ में मैं क्या करना चाहिए, मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरा बचपन से बस एक ही ख्वाहिश था कि मुझे जॉब नहीं करना है, किसी के अंडर में आकर काम नहीं करना है, कि 9 से 6 जाकर जॉब करनी है, महीने का 50,000 2-3 लाख रुपए कमानी है, नहीं कमानी। मुझे बस इतना था कि कुछ भी करना है बस अपना करना है। तो यूट्यूब चैनल की शुरुआत हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, अब बहुत सारा चैनल फ्लॉप हुआ, उसके बाद से आरडीआई टॉक से शुरुआत हुआ। आरडीआई टॉक अभी हाल फिलहाल आप लोग देख ही रहे हैं जिस पर वीडियो, हाँ ठीक है, हालांकि अभी 45,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी अमाउंट है। लेकिन उसके साथ साथ जो मैंने शुरू किया आरडीआई हब, जिसमें मैं बहुत सारा चीज़ करता हूँ, मैं और मेरा भाई सचिन मिलकर हम लोग उसमें बहुत सारा चीज़ करते हैं, वेडिंग फोटोग्राफी, एक इवेंट प्लानर जो होता है, वो सारी चीज़ें, डेकोरेशन से रिलेटेड, वेडिंग कार्ड प्रिंट से लेकर बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम लोग। इवन की शादी का पूरा पैकेज भी कैसे कैसे डिसाइड करना है, वो सब चीज़ भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो उस तरह की चीज़ें हम लोग स्टार्ट किए लाइफ में आकर, और इसके बीच बहुत सारी उतार चढ़ाव आई जीवन में, बहुत सारा परेशानियाँ आया कि मतलब लाइफ में लोग अपने खास जो थे वो लोग भी ताना मारने लगे, अपने जो रिश्तेदार थे वो लोग भी ताना मार रहे थे कि बाप का पैसा उड़ा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ नहीं करेगा, अपने दोस्त यार ऐसे बोलने लगे। लेकिन बस एक ही था कि जितने लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, एक दिन वक्त लाऊंगा ऐसा कि वो सारे लोग मेरी अच्छाई करने पर मजबूर हो जाएंगे, अच्छाई बात बताने पर मजबूर हो जाएंगे, और शायद लगता है कि मैंने वो चीज़ कर दिया है। जब बाइक खरीदना था तो मैंने किसी से नहीं बताया, बस डायरेक्टली गया बाइक खरीदा और सरप्राइज दिया। उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें बदलने लगी, फ्रेंड सर्कल में इधर उधर बहुत सारी चीज़ें बदलने लगी। फिर एक शुरू से ख्वाहिश चल रहा था कि मुझे एक कार खरीदनी है, अपने एक कार हो जिसमें हम भी बैठ के ये चीज़ करें। देखिए आज मैं आज उसी कार में, अपने कार में बैठ कर, और जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मुझे जो आनंद आ रहा है ना, ये लग रहा है कि यार कुछ अचीवमेंट हुआ है लाइफ में, कुछ हुआ है, कुछ मैंने किया है। और कहा जाता है कि बाप का कमाया हुआ 10 लाख रुपया और अपना कमाया हुआ 1,000 रुपया अगर उड़ा दो ना, और उड़ा कर जो सुकून मिलता है वो 10 लाख रुपया वाला में सुकून नहीं है। पापा के पैसे से मोबाइल खरीद लेना महंगे से महंगा और खूब बहावई करना, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अपने पैसे से कमा कर
और अपना शौक पूरा करना और अपना उड़ाना वो सुकून देता है। और जब बेटा कमाए और बाप घमंड करे तब लगता है कि मैंने जीवन में कुछ हासिल किया है। तो अब देखिए, हालांकि जब कार खरीदने की प्लान थी तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आई। अब कार खरीदाने की वजह से बहुत सारे लोग मुंह फुला लिए हैं, बहुत सारे लोगों को दुख पहुंचा है कि आगे क्यों बढ़ गया, इसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो मेरे दोस्त, ये याद रखिए कि दुनिया का वो हर व्यक्ति सफल होगा जो व्यक्ति मेहनत पे भरोसा करेगा। जो व्यक्ति अपनी नींदों को उड़ाकर मेहनत करता है वो सफलता के पास पहुंचना ही पहुंचना है। उसको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है, उसको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है आगे बढ़ने से। और सबसे बड़ी चीज यही है कि मैंने मेहनत की है, मैंने वो सपना सजाया है, मैंने वो जोश जगाया है अपने अंदर, जिसकी बदौलत आज चैनल से लेकर और आरडीआई हब से लेकर वेडिंग फोटोग्राफी से लेकर अच्छे अच्छे लोगों से जान पहचान, अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना सब कुछ आज होता है। बस इसके लिए मैंने अपनी नींदें गंवाई है, अपनी नींदों को मतलब उड़ाया है, तब जाकर मैं आज यहाँ बैठकर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। शायद लगता है कि आज एक ब्रेजा खरीदाया है तो हो सकता है कि आने वाले एक साल बाद एक रेंज रोवर भी आए, कहीं हो सकता है कि उसके अगले सारे साल एक लैम्बोर्गिनी आए, बहुत सारा चीज लाइफ में हो सकता है। बस शर्ते एक ही चीज है, मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत जब होगा तो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको रोक सकता है। ये छोटी मोटी जो कहानियां मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ अपने बारे में, ये एक इंस्पिरेशन है, ये एक मोटिवेशन है जो अगर आप अपने अंदर जगा लेना तो शायद 23 साल के एज में आप भी मुन्ना पंडित से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, आप भी मुन्ना पंडित से ज्यादा अमीर बन सकते हैं, आप भी मुन्ना पंडित से ज्यादा लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। बस आपको मेहनत करना होगा, बस आपको मतलब वो जोश जगाना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। एक चीज है कि जब आप सफलता की राह पर चलेंगे तो नाराजगी लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि इस दुनिया में मात्र महज 2-3 ही लोग हैं जो चाहते हैं कि आप बहुत आगे बढ़े। एक तो आपके माँ बाप, एक आपके कुछ बहुत खास यार जिनको आपसे बस दिल से लगाव है, मेरा दोस्त है आगे बढ़ेगा तो बढ़ेगा, उसका खरीदाएगा मेरा हुआ, और एक है आपके गुरु। बाकी इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़े। तो दोस्त भी है आपके लाइफ में तो दोस्त को एक दोस्त की तरह रखिए कि लगे कि आज सलाम मेरा दोस्त है, एकदम दिल गदगद हो जाना चाहिए। और शायद मेरे लाइफ में ऐसे दोस्त हैं, मेरा भाई है, तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले से। बाकी पॉडकास्ट जो करते हैं लोग, हम लोग कंटिन्यू रखेंगे पॉडकास्ट कुछ दिनों बाद, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें आएंगी आप लोगों के लिए। तब तक इस वीडियो को ज़रूर आप लोग शेयर करें, और ब्रेजा आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी आपका भाई ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा, मचाते रहेगा, और आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का प्यार मिलते रहे, बस इसके लिए तो आप लोगों के लिए दिल हाजिर है। और वो हर चीज़ कोशिश करूँगा करने के लिए आगे चल के, गरीबों के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए, कि जैसे मैं सोता हूँ सुकून से वैसे सब लोग सोएं सुकून से। और बस यही मकसद है लाइफ में, बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ना है, आप लोगों का प्यार चाहिए और प्यार आप लोगों का बना रहे, इसके लिए आप लोगों को तह दिल से बहुत धन्यवाद रहेगा। फिर मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक बने रहें आरडीआई टॉक्स के साथ और ऐसे ही मचाते रहें।